वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ शाम के समय से। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, 15 मिनट है, और मैंने शाम के समय से ब्लॉग की शुरुआत की थी। और मैंने अपना सारा काम शाम का भी निपटा दिया है, थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आता है थोड़ा बहुत वो गंद फैला देता है, सामान इधर उधर कर देता है, तो वो सारी सेटिंग कर दी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ भिंडी। तो भिंडी को मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है, फैन के नीचे रख दिया था, अच्छे से ड्राई हो गई है। इनको मैं अभी काटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में मैंने मूंग की दाल भिगोने डाली है ना, तो मैंने वो दोपहर को डाल दी थी, तो दो तीन घंटे 4 घंटे हो गए हैं, 1 बजे के करीब डाल दी थी। अब उसको पीस लेती हूँ, फिर उसका मुझे करना है मसाला तैयार। एक तो मूंग दाल का बहुत टेस्टी यम्मी हलवा भी बनता है, लेकिन मुझे उसका बनाना है मसाला। तो मैं अभी उसको पीस लेती हूँ, फिर मैं आज एक अलग तरह की भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में भी भिंडी खाने से अब तंग हो गए हैं अनुज भी, अर्श भी। तो भैया कुछ नए नए तरीके से बनाते रहे, तो थोड़ा बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े तो खा ही लेते हैं। वगैरह प्रेस कर दिए और अब इनको उठाती हूँ, अलमीरा में रखती हूँ। मूंग की दाल मैंने भिगोने डाली थी, इसको मैं पीस लेती हूँ। पहले इसका पानी निकाल लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, बिल्कुल कम मात्रा में पानी लगा के इसको अच्छे से पीस लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें घी डाल दिया है, और ये अभी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल लूँगी दाल, और दाल को जो है ना बहुत अच्छे से भून लूँगी। थोड़ी सी दाल थी तो मैंने थोड़ी सी डाली, और ऐसे सब ज़्यादा तो मैं सलवा भी जरूर ही लाती हूँ दाल का, लेकिन सलवा करूँगी। आज मैं सब्जी बना रखती हूँ। मूंग दाल बिल्कुल अच्छे से भून गई है, कढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रही है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा मसाला, क्योंकि बहुत थोड़ा है, कम है। तो क्योंकि आज मेरे पास थोड़ी कम थी मूंग दाल, तो मैंने थोड़ी ही भिगोने डाली। ताकि आप ऐसा मसाला बिल्कुल रेडी करके भी रख सकते हैं, जो 5-7 दिन आराम से भरमा भिंडी भरमा पेंडे कुछ भी बनाने के हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मसाला बनके बिल्कुल रेडी है, मैं भी गैस को बंद कर देती हूँ। मूंग दाल का मसाला तो मेरा रेडी हो गया, अब मैं काटने वाली हूँ भिंडी। फिर आज भिंडी को बनाऊंगी मूंग दाल के साथ, और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और लाजवाब बनती है। तो अभी मुझे जैसे भिंडी चाहिए बिल्कुल बारीक कटी हुई, तो मैं फटाफट से भिंडी काट लेती हूँ। मैंने भिंडी काट ली है और प्याज भी काट लिया है लंबे लंबा, और अभी चलती हूँ बनाती हूँ। टेस्ट मेरा गर्म हो गया है, और जीरा भी प्याज मेरा अच्छे से भून चुका है, और स्टेज पे आके मैं ये जो मैंने मूंग दाल का मसाला बनाया है ना, इसको 2-3 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी। और इस मसाले को आप भरमा भिंडी करेले में भी यूज़ कर सकते हैं, और 10-12 दिन आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और मैं इसमें अब डाल दूंगी भिंडी। अभी मैं भिंडी को कर दूंगी कवर, और थोड़ी देर में भिंडी बन के बिल्कुल बहुत अच्छी करारी और टेस्टी भिंडी ऐसे बनेगी। इसको थोड़ी देर में कवर कर दूंगी, लेकिन तब तक मैं आटा भी बना लेती हूँ रोटी के लिए। सब्जी मेरी बन चुकी है बहुत अच्छे से, नई भिंडी की सब्जी मेरी बन चुकी है, और मैंने भिंडी की सब्जी मेरी बन चुकी है और आटा भी मैंने लगा लिया है, और
और भिंडी की सब्जी बनाने के बाद ऐसा लगा कि कुछ मीठा भी हो जाए क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो मैं बना रही हूँ अभी बेसन का हलवा। अच्छे से भून लेती हूँ उसको भी। ये मेरी सब्जी भी तो बन के पहले ही रेडी थी और यहाँ पे मेरा हलवा भी गर्मा गर्म बन के रेडी है। आटा भी मैंने लगा दिया है। अभी डिनर करेंगे हम थोड़ा लेट, तो तभी मैं रोटी लगाऊंगी। और हलवे में कर देती हूँ गार्निश, थोड़े से इसमें डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट्स। और बहुत मज़ा हमें हलवा का खा, और आज बहुत हेल्दी और टेस्टी डिनर बनाया है जिसे खाने का बहुत मज़ा आने वाला है। अभी गैस को भी कर देती हूँ बंद, लेकिन गर्मा गर्म हलवा मैं थोड़ा अर्श को खिला देती हूँ क्योंकि अर्श, कैसा है हलवा? अच्छा नहीं है? इसको थोड़ी खांसी है, जुकाम भी है, तो इसको हलवे में मज़ा नहीं आ रहा है। बट हमने टेस्ट किया तो काफ़ी टेस्टी बना है, क्योंकि ये बनाया है किसका? बेसन का। बेसन का। तो सूजी वाले हलवे के कंपैरिजन में बेसन वाला हलवा काफ़ी टेस्टी होता है। और क्या क्या बनाया है आज डिनर में? आज बनाई है मैंने भिंडी मूंग दाल के साथ। अच्छा ठीक है, बढ़िया। और मिस्टर अर्श जो है ये 2 घंटे खेल के आया है, और जब गया था खेलने तो इसको कोई खांसी नहीं थी, मतलब बहुत कम थी, तो इसको मना करते रहे कि रेस्ट कर ले, वापस फिर आएगा तो तेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बट माना नहीं। और अभी खेल के आ गया है तो अभी इसको और ज़्यादा खांसी बढ़ गई है। अभी हम चपाती में बनाऊंगी थोड़ी बाद में जब डिनर करना होगा। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। बाय।